लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। संत निरंकारी भवन धूरी की ओर से आयुर्वेदिक चेकअप कैंप लगाया गया। इस मौके पर भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर पंजाब के नजदीकी रिश्तेदार तरलोक सिंह तूर ने वहां के सेवादारों से मुलाकात की, कैंप में मौजूद लोगों से भी बात की। इसके अलावा संत निरंकारी मिशन के प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि इस मौके पर 500 से अधिक लोगों ने इस कैंप में हिस्सा लिया। कैंप में मरीजों बीमारी संबंधित दवाइयां भी अलग अलग कंपनियों की ओर से फ्री दी गई। विकास वर्मा इंचार्ज कैमरामैन अमित गुप्ता के साथ खास रिपोर्ट। अज निरंकारी मिशन वालों धूरी ब्रांच के एक बहुत सोहना आयुर्वेदिक कैंप लाया गया है। मैं कहता ये भी तकरीबन से नोट किया है कि 300 तो प्लस लोगों ने इतने आके सू अपनी बीमारियों के बारे दसिया और बहुत सोहना साढ़े वास्ते ऐसा उपराला मिलया कि सानू कंपनियों वालों बहुत बड़ा सहयोग मिले। मैं कहता जिमें कि साढ़ी चंडू कंपनी वालों मैं कहता प्रधानमंत्री बासु तो उन्होंने बेचारे जो बंद ने खुद चल के सड़क आए ने मैं कहता और सवेर तो ही सू पूरा सहयोग दे रहे हैं। और साढ़े वैद मुगत राय जी का बहुत महान योगदान है जिन्होंने पूरा पाला करके जिन्होंने जिदन तो डेट रखी गई है 2 महीने तो उदन तो इन्होंने तकरीबन रोज़ कोई ना कोई फोन करके बहुत अच्छा इस तरह करना है इस तरह करना है इस तरह करना है कि सानू भी बहुत खुशी हुई है। सानू भी अब देख के बहुत मन खुशी हुई है। ये जो कुछ कृपा है साढ़े सतगुरु माता श्री शाह महाराज जी तो सतगुरु माता श्री शाह जी ने जिन्होंने सानू ऐसा सुंदर मौका बख्शा है निरंकारी मिशन के जिते कि कहा जाता कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। मैं कहता उस गल रखते हुए सानू अब बहुत सहयोग मिले है। असी इन्हें कंपनियां धन्यवाद करते हैं जो लोग साढ़े शहर चल के आए हैं उन्होंने धन्यवाद करते हैं। बड़े लोग संगत सारा सेवादल सबनों ही असं पूर्ण तौर पर सब धन्यवाद करते हैं। सत्कार है और झंडू कंपनी जी है अपना योगदान देने लिए हमेशा तैयार रहती है। तो मैं यही गुजारिश करांगा यहो जी अगर कैंप लगते रहन और मरीजों को सहायता मिलती रहे जो कि बहुत ही अच्छी गल है। ESM श्री धनवंतरी हर्बल्स और मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि संत निरंकारी मंडल ने जो ऑर्गेनाइज़ किया कैंप जिस विच वैद मंगत राय सिंगला जी और विनोद कुमार जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत ही वड्डी तादाद में इतने पेशेंट आए और सारे ने फ्री आयुर्वेदिक मेडिसिन जिवें असी साडी कंपनी वालों डायबिटिक कैंप भी लगाया गया और असी शुगर चैक की सारे की और काफ़ी पेशेंट नूं ये मतलब कि सेवा मिली और असी इन्हां दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ कि जिन्होंने सानू निरंकारी मिशन पूरा और विनोद कुमार जी और वैद मंगत राय सिंगला जी दे धन्नवादी हाँ जिन्होंने सानू बुलाया और सानू सेवा का मौका मिलिया। असी साडी कंपनी वालों हमेशा काफ़ी सेवा की जाती है जिवें कई संस्थावां कई डिस्पेंसरीज जां कई होस्पिटल वालों फ्री कैंप लगाए जाते हैं तो उत्थे साडी कंपनी सारी मेडिसिन मुहैया करवाई है। अज असी इतने मेडिसिन मुहैया करवाने के नाल नाल डायबिटिक चैकअप भी किया और तुसी जानते हो कि शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट वध रहे हैं। तुसी लगा लो कि 2019 एक सर्वे होया सी जिहदे विच वर्ल्ड के 44 करोड़ पेशेंट सी और लगभग 5वां पेशेंट अपने इंडिया के डायबिटिक पेशेंट है। उत्ते ही असी ज़्यादा फोकस किया कि लोगों को ये बारे अवेयरनैस किया जाए अवेयर किया जाए और शुगर तो बचा जा सके। जी वैद अपने वैदराज जी वालों पूरे कैंप लगाया गया निरंकारी मंडल वालों आया तो असं वासु हेल्थ केयर कंपनी वालों आए से असी दवाइया सी फ्री तौर पर दिखाई गई ने बहुत भारी संख्या के पेशेंट आए और सानू बहुत वधिया लग्या असी इस कैंप का हिस्सा बने जी तो गाहू भी असी मतलब इस तरह का योगदान पाते रहेंगे करते रहेंगे मतलब कंपनी। अपना नाम की है जी? मेरा नाम डॉक्टर सुनीता गुप्ता है। मैं अज इस कैंप लगाया है। अज के पेशेंट्स असं मोस्टली ये देख रहे हैं कि भी मतलब कई कैल्शियम की कमी हो रही है बॉडी च या उन्होंने कमजोरी हैगी। शुगर के भी पेशेंट्स असं देखे अज मतलब मिक्स पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने मतलब लेडीज पेशेंट्स असी मतलब ज़्यादा ये देखे उन्होंने आयरन की भी कमी आ रही है तो इसलिए असी उन्होंने मैं यही कहना चाहती हाँ कि भी उन्होंने अपनी डाइट वाल ध्यान देना चाहिए है। उन्होंने हर मंथली या हर 3 महीने बाद अपना कैल्शियम HB टेस्ट करवाना चाहिए है जिस उन्होंने जनरल जी वीकनेस है वो दूर हो सके।